फाइनली ऋतिक रोशन की मच एवेटेड फिल्म क्रिश 4 का नया अपडेट सामने आ चुका है, जिसका ऋतिक रोशन के फैंस कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब क्रिश 4 का अपडेट हमें जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि क्रिश 4 का बेसिक प्लॉट लॉक कर दिया गया है और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर भी चुन लिया गया है, जो कि है करण मल्होत्रा, जिन्होंने इससे पहले अग्निपथ, ब्रदर्स और रिसेंटली शमशेरा जैसी फिल्में डायरेक्ट की है। लेकिन पहले न्यूज सामने आया था कि इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद अभी इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं, प्रोड्यूस करने वाले हैं राकेश रोशन के कंपनी के साथ। वही फिल्म का शूटिंग कब शुरू होगा, कब इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, इस पर भी कई सारी अपडेट निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 जल्दी ही शुरू होने वाला है। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश रोशन ने फिल्म क्रिश 4 की कहानी अपने राइटर्स के साथ पूरी कर ली है। हालांकि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि फिल्म के लिए राकेश रोशन ने करण मल्होत्रा को साइन कर लिया है। रिपोर्ट्स में और भी बताया गया है कि राकेश रोशन को लगता है कि फिल्म क्रिश 4 के लिए करण मल्होत्रा ही सही डायरेक्टर है। खबरें हैं कि साल 2024 से फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा और 2024 से इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ऋतिक रोशन इस साल नवंबर से वर्ल्ड 2 की शूटिंग शुरू करेंगे, उसके बाद वो क्रिश 4 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक रहा तब भी फिल्म साल 2025 के आखिर से पहले रिलीज होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि फिल्म के मेकर्स क्रिश 4 को इंटरनेशनल लेवल का फिल्म बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्रिश 4 के मेकर्स उनके नए आइडिया को लेकर कितना ज्यादा सफल होते हैं। देखते हैं दोस्तों और क्या अपडेट निकल के आता है। जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि अगर कोई भी अपडेट आए तो आपको पहले मिल जाए। जय हिंद।